नागरिकता कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हो रहे हिंसक प्रदर्शन में बुलंदशहर में 20 से 25 नामजद और करीब 800 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। CCTV फुटेज के माध्यम से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और अभी तक 1.5 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। देखिए, कल की घटना के बाद कुल 3 मुकदमे दर्ज कराए गए और एक मुकदमा कालायाम से जो लोग भीड़ इकट्ठा थी जिनके द्वारा तोड़फोड़ या कोई पथराव आज नहीं किया गया, लेकिन लोक सेवक को कर्तव्य पालन से रोका गया और धारा 144 का उल्लंघन किया गया, उसके परिप्रेक्ष्य में दर्ज है जो चौकी इंचार्ज कालाम के द्वारा दर्ज कराई गई। दूसरा मुकदमा जो गाड़ी जलाई गई थी उसके संबंध में गाड़ी के ड्राइवर द्वारा दर्ज कराया गया। तीसरा मुकदमा इंस्पेक्टर कोतवाली के द्वारा दर्ज कराया गया है जिसमें जिस वारदात जो पूरी हुई थी उसका विवरण है और अभियोग दर्ज किया गया। जो गंभीरतम धाराएं हो सकती थी उन सब में अभियोग दर्ज है और सब मिला के 20-25 के आसपास नामजद हैं। 700-800 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है। सहयोगी बुलंदशहर से फोन लाइन पर मौजूद है। कपिल, बुलंदशहर में इस वक्त की क्या अपडेट है हिंसा की, जानना चाहेंगे आपसे, और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। कपिल, हिना, मैं आपको बता दूं कि अब तक इन मामले में 3 FIR दर्ज की जा चुकी हैं जिसमें 25 लोगों को नामजद करते हुए 700-800 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। DM SSP समेत तमाम पुलिस बल जो है फ्लैग मार्च पर निकला हुआ है और वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कानून को अपने हाथ में ना लें। कई टुकड़ियां बनाई गई हैं जो पूरे शहर में जो है मार्च कर रही हैं और समझाने का प्रयास कर रही हैं तरह तरह से। और साथ के साथ मैं ये भी बता दूं कि पुलिस जो है बुजुर्गों के साथ जुड़ी हुई है, मौजूद लोगों के साथ जुड़ी हुई है और उनसे है कि कानून को अपने हाथ में ना लें और संयम बना के चलें। पहले बात को समझ लें, समझने के बाद में उसकी प्रतिक्रिया करें। और साथ के साथ ये भी पुलिस अब पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे फसाद के पीछे कि माइंड किन लोगों का था। पता ये चला है, सूत्र ये बता रहे हैं कि जो लोग कल झगड़ा फसाद में जुटे हुए थे तो उसके पीछे जो अन्य दिमाग थे वो काम कर रहे थे, उनको उकसाया गया था और कुछ ऐसे तथ्य भी सामने पुलिस को मिले हैं। हिना, तमाम जानकारियों के लिए कपिल शुक्रिया आपका।